Divide two-digit number by one-digit number. इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक two-digit number को one-digit number से कैसे divide करते हैं. उसके लिए हम मिसाल लेते हैं 42 divided by 2. 42 को हमने 2 से divide करना है और देखना है कि ये कौन से number के बराबर आता है. 42 यहाँ पर 2 digit number है, इसमें 2 digits हैं 4 और 2, और 2 एक 1 digit number है. ये जो division equation है, इसमें जो numbers हैं, इन्हें हम नाम देंगे. जो पहले number होता है, जो बड़ा number होता है, जिसे हमने divide करना है, उसे हम कहते हैं dividend. यानि 42 यहाँ पर क्या है? Dividend है. और जो 2 है, जिसने 42 को divide करना है, यानी डिवाइड करने वाले को हम कहेंगे डिवाइजर. और इन्हें डिवाइड करने के बाद जो हमारा जवाब आता है उसे हम कहते हैं कोशेंट. यानी यहाँ पर जो नंबर आएगा उसे हम कहेंगे कोशेंट. जिस नंबर को डिवाइड करना है वो डिविडेंड और जो डिवाइड करेगा वो डिवाइजर. अब इन नंबर्स को डिवाइड करना शुरू करते हैं. इन्हें डिवाइड करने के लिए हम ये वाला निशान इस्तेमाल करेंगे. इसे भी हम डिवीजन का निशान कहते हैं. और इसके अंदर हम रखते हैं डिविडेंड को, यानी रखेंगे 42 को. तो हमने डिविडेंड को इस निशान के अंदर रखा और इसके बाहर रखेंगे 2 को. 2 क्या है? डिवाइजर. तो यहाँ पर हम रख देंगे डिवाइजर को. अब हमने अंदर मौजूद नंबर को लेफ्ट साइड से देखना शुरू करना है. यानी लेफ्ट साइड से देखें तो पहले क्या है? 4. अब बाहर मौजूद डिवाइजर को देखेंगे कि वो 4 को डिवाइड कर सकता है या उसके टेबल में 4 आता है या नहीं. तो 2 के टेबल में 4 आता है. 2 2s are 4. इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लिखेंगे 2. 2 2s are 4 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4. यानी 2 को जब मल्टीप्लाई किया 2 से तो जवाब आया 4. और अब हमने क्या करना है? 4 में से 4 को माइनस करना है. अब यहाँ तक हम ये जो 2 है इसको इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ इस नंबर को डिवाइड करते हैं. जब 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 माइनस 4 0 आ जाएगा. और अगला स्टेप ये है कि अब हमने अगले नंबर को जो यहाँ पर 2 है उसे नीचे लेकर आना है. तो 2 को हम इस तरह से नीचे ले आएंगे. अब हमने इस नंबर को डिवाइजर से डिवाइड करना है. तो इस नंबर को जब लेफ्ट से देखेंगे तो यहाँ पर 0 है. 0 को हम इग्नोर कर देंगे और उससे अगले नंबर को देखेंगे. तो यहाँ पर 2 है. और अब 2 के टेबल में 2 कब आता है? 2 1s are 2. 2 1s are 2. इसे हम इस तरह से लिखते हैं. अब हमने क्या करना है? 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 minus 2 0. अब हमने अगले नंबर को नीचे लाना है, लेकिन यहाँ पर आगे कोई नंबर नहीं है और नीचे 0 आ चुका है. तो इसका मतलब है कि हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई. जब डिवीजन कंप्लीट हो जाती है तो ये जो नंबर ऊपर होता है, जो यहाँ पर 21 है, इसे हम कहते हैं कोशेंट. यही हमारा आंसर होता है. और जो नंबर नीचे बच जाता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर. और यहाँ पर रिमाइंडर 0 है. जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है. यानी 42 कंप्लीटली डिवाइड हो गया है 2 से और जवाब आया है 21. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लिखेंगे 21. 42 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 21. तो इस तरह से हम 2 डिजिट नंबर्स को 1 डिजिट नंबर से डिवाइड करते हैं. एक एग्जांपल और देख लेते हैं. 45 divided by 5 equals to dash. अब हमने 45 को डिवाइड करना है 5 से. 45 एक 2-digit नंबर है और 5 एक 1-digit नंबर है. तो उसी तरह से हम डिवाइड करना शुरू करते हैं. इसके अंदर हम लिखते हैं डिविडेंड को. डिविडेंड क्या है? 45 को अंदर लिखेंगे और बाहर लिखेंगे 5 को. 5 क्या है? डिवाइजर. और अब इन्हें डिवाइड करना शुरू करेंगे. तो डिविडेंड को हम देखते हैं लेफ्ट साइड से. तो लेफ्ट साइड पे पहले है 4. इस 5 को इग्नोर कर देंगे और 4 को डिवाइड करेंगे 5 से.
अब 5 की टेबल में देखें तो क्या 5 की टेबल में 4 आता है? 4 5 से छोटा है, ये 5 की टेबल में नहीं आता। तो जब अगर ये 5 की टेबल में नहीं आएगा तो हम लिखेंगे 5 ज़ीरोज़ आर 0। उसके बाद हमने क्या करना है, 4 में से 0 को माइनस करना है। 4 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 4। और अब हमने अगला स्टेप करना है, यानी अगले नंबर को नीचे लेकर आना है। अब ये 5 नीचे आएगा तो अब ये नंबर क्या बन गया, 45। अब 45 जो पूरा नंबर है इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। अब 5 के टेबल में देखें तो 45 कब आता है, 5 नाइन्स आर 45। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45। और अब 45 में से 45 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। और 0 क्या है, रिमाइंडर। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई। तो इसमें हम कैसे डिवीजन करते हैं, हम डिविडेंड को लेफ्ट साइड से एक एक नंबर करके डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वोशंट आया है 9, ये हमारा आंसर है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिखेंगे 45 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 9। 0 9 की लेफ्ट साइड पर है तो उसे लिखना ज़रूरी नहीं है। तो हमने जब 45 को 5 से डिवाइड किया तो जवाब आया 9। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब है हमारे पास 34 डिवाइडेड बाय 2। तो 34 को हमने 2 से डिवाइड करना है। 34 यहाँ पर डिविडेंड है और 2 डिवाइज़र है, और हमें क्या चाहिए, क्वोशंट चाहिए। तो हम इन्हें डिवाइड करना शुरू करते हैं। इस निशान के अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लिखते हैं डिविडेंड। इसका मतलब है यहाँ पर आ जाएगा 34, बाय रखना है डिवाइज़र को, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। और अब इन्हें डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो 34 को लेफ्ट साइड से देखना है तो पहले हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे और इस 4 को इग्नोर कर देंगे। तो 2 के टेबल में क्या 3 आता है, 2 वन्स आर 2 और 2 टूज आर 4। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, 2 वन्स आर 2 और 2 टूज आर 4। तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 और 4 आते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने छोटे वाले नंबर वाला यहाँ पर डिजिट लेकर जाना है, क्योंकि 4 तो 3 से बड़ा हो जाएगा और 2 3 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले नंबर वाला डिजिट लेके जाएंगे, यानी 2 वन्स आर 2 रखेंगे, इसलिए ताकि जब हम इन्हें माइनस करें तो ये दोनों नंबर्स आपस में माइनस हो सकें, क्योंकि नीचे 4 आ जाएगा तो वो 3 से माइनस नहीं होगा। इसलिए हमने इस नंबर से नीचे वाला नंबर, या अगर ये नंबर आता हो टेबल में तो वो रखना है। तो अब इन्हें माइनस करते हैं, 3 में से जब 2 माइनस करेंगे 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। और अब हमने अगला स्टेप क्या करना है कि अगले नंबर को नीचे लेकर आना है। तो ये 4 अब हम नीचे ले आएंगे तो 1 4 क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा। पहले हमने सिर्फ एक डिजिट को डिवाइड किया, अब हमने अगले स्टेप में दोनों डिजिट्स को डिवाइड करना है, यानी 14 को देखना है 2 के टेबल में। तो 2 के टेबल में 14 कब आता है, 2 सेवन्स आर 14। तो हम लिखेंगे 2 सेवन्स आर 14। अगला स्टेप क्या है, हमने इन दोनों नंबर्स को माइनस करना है, तो 14 माइनस 14 एक जैसे नंबर्स हैं तो 0 आ जाएगा। अब 0 क्या है, रिमाइंडर। और रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका मतलब होता है कि हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई, और ये जो नंबर है जिसे हम क्वोशंट भी कहते हैं, ये हमारा जवाब है। तो 34 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 17। तो इस तरह से हम नंबर्स की डिवीजन करते हैं।